हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में स्वागत है। लेक्चर शुरू करने से पहले हम आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, प्लीज़ अगर हमारा लेक्चर पसंद आता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को हिट करना ना भूलें जिससे सारी नोटिफिकेशंस आप तक पहुँचती रहें। यहाँ पर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक का एक दूसरा टॉपिक पकड़ते हैं, उस टॉपिक का नाम है फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्ज। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है क्योंकि आपका नया एग्जाम पैटर्न है उसके हिसाब से ऑप्शनल क्वेश्चंस आते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, और इस वजह से ये पॉइंट इंपॉर्टेंट, बहुत इजी है। यहाँ पर देखते हैं कि अगर दो चार्जर क्यू एंड एन क्यू स्मॉल आर डिस्टेंस पे सेपरेटेड हैं और एक ऐसा पॉइंट आपको निकालना है जहां पे नेट फोर्स जीरो है, थोड़ा सा ट्रिकी आपको मिलेगा क्योंकि पहले हम लोग एक लेंथी मेथड है जो कि आपके बुक में भी दिया होगा उसको हम लोग सीखेंगे, उस पर एक कंक्लूजन आएगा, वो कंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो जो एक्सप्रेशन आएगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हम शुरू करने से पहले एक बात बताना चाहते हैं, कूलम्बियन फोर्स का जिक्र होगा जो कि आप पहले प्रीवियस लेक्चर से आप थोड़ा सा नॉलेज कलेक्ट कर सकते हैं अगर आपको यहाँ पर नहीं समझ में आ रहा है। वो पॉइंट जहाँ पे नेट फोर्स क्या है, जीरो है, नेट फोर्स जीरो है। पहली बात, फोर्स की बात कर रहे हैं तो फोर्स हम लोग जैसा कि जानते हैं फोर्स क्या होता है, आपका वेक्टर क्वांटिटी होता है और वेक्टर क्वांटिटी है तो क्या होगा, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड होगा। आइए, एक ऐसा पॉइंट हम नहीं जानते कहां पर रखा गया है लेकिन इतना जानते हैं कि जो डिस्टेंस है दोनों चार्जेस के बीच में स्मॉल आर है। हम लेट कर लेते हैं कि जो न्यू चार्ज है वो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, तो टेस्ट चार्ज मतलब पॉजिटिव, वो टेस्ट चार्ज रखा गया है एक पॉइंट पी पे जो कि कैपिटल क्यू से एक्स डिस्टेंस पे है। अगर एक्स डिस्टेंस पे होगा तो ये जो चार्ज है वो एन क्यू से कितना डिस्टेंस पे होगा, आर माइनस एक्स, क्योंकि ये आर है ये एक्स है तो आर में से एक्स गया तो कितना बचा, आर माइनस एक्स। हम अच्छे से जानते हैं कि अगर ये चार्ज इक्विलिब्रियम में है, अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो नेट फोर्स कितना होना चाहिए, जीरो। कोई भी बॉडी अगर इक्विलिब्रियम में है मतलब उसमें मूवमेंट नहीं हो रहा है तो उस पे अप्लाइड फोर्सेस का नेट सम, एल्जेब्रिक सम कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। आइए, मतलब इस पे कितने फोर्स लग रहे हैं, तो F1 एंड F2। F1 कहां से आया, आप अच्छे से जानते हैं दो चार्जेस के बीच एक कूलम्बियन फोर्स जनरेट होता है, वो कौन सा है, 1/4πε0 q1 q2 / r² f1। इसकी वजह से सिमिलरली आइए सिग्मा एफ इज इक्वल टू जीरो, f1 वेक्टर लगा है क्योंकि फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, f1 प्लस वेक्टर f2 इज इक्वल टू जीरो। आइए, F1 क्या होगा, 1/4πε0 कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन x² यहां पे प्लस होगा या माइनस होगा, क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए, क्यों, क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं इस फोर्स का डायरेक्शन F1 उधर है और इसके बीच क्या जो फोर्स का डायरेक्शन है F2 जस्ट अपोजिट है, उस डायरेक्शन को शो करने के लिए आपको माइनस का साइन लगाना पड़ेगा। उसके बाद फोर्स का एक्सप्रेशन क्या है, मैग्नीट्यूड 1/4πε0 स्मॉल क्यू इंटू एन क्यू अपॉन सेपरेशन कितना है, r - x² = 0। यहां पर आप देखेंगे कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू क्या है, कॉमन है तो हटा देंगे, साथ ही 1/4πε0 भी कॉमन है तो हटा देंगे, क्या बचेगा यहां पर, ये पूरा एक्सप्रेशन हट गया तो क्या बचा, 1/x² माइनस यहां पे क्या बचेगा, हटेगा 1/4πε0 q जीरो है ना, हट जाएगा तो क्या बचा, 1/r - x² = 0। इसको उस साइड लेकर जाइए आप, क्या बचा, r - x² क्या करेंगे, रूट ले लेंगे, रूट लेते हैं, रूट में जब लेने के बाद क्या आएगा, 1/x² का रूट इज इक्वल टू √n/r - x² √, इसका क्या आ जाएगा,
वन अपॉन एक्स आ जाएगा, यहाँ पे क्या होगा रूट एन होगा, यहाँ क्या होगा आर माइनस एक्स होगा, आर माइनस एक्स को क्या करेंगे इस साइड लाएंगे, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई आर माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स रूट एन, हमें आर की वैल्यू मिल जाएगी एक्स के टर्म में, या एक्स निकाल लीजिए, यहां से क्या निकला आपका एक्स की वैल्यू मिली, नहीं निकालना पड़ेगा, आइए आर ये माइनस एक्स से उधर क्या जाएगा प्लस हो जाएगा, यहां पे देखिए एक्स एक्स कॉमन है ना, कॉमन ले लीजिए है ना, एक्स इधर से निकलेगा रूट एन प्लस, यहां पर आइए ये रूट एन प्लस वन को क्या करेंगे इस साइड लेकर आएंगे, प्रोडक्ट है तो यहां पर क्या हो जाएगा डिवाइड में आ जाएगा, यहां से एक्स की ये वैल्यू मिल गई। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। जैसे अगर कोई क्वेश्चन आपको मिलेगा